देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ओडिशा में नई सरकार के गठन और उसके शपथ लेने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें कि ओडिशा में आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 2:30 पर भुवनेश्वर पहुंचेंगे और शाम 5 शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 27 मई को उच्च न्यायालय में जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी। बता दें कि ईडी इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख यानी आज 12 जून को देगी। लोकसभा चुनाव में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल करने के कुछ दिन बाद राहुल गांधी आज पहली बार वायनाड की यात्रा पर आ रहे हैं। बता दें कि उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाकपा उम्मीदवार एनी राजा को 3,64,422 मतों के अंतर से हराया था। लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा को लेकर झारखंड कांग्रेस आज एक बैठक करने जा रही है। इस बैठक में आम चुनाव में मिली हार जीत के साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति ने समीक्षा बैठक की जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित विधायक 12 जून को शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, नवनिर्वाचित विधायकों सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, राकेश कालिया, विवेक शर्मा, कैप्टन रणजीत सिंह राणा व अनुराधा राणा को शपथ दिलाएंगे। बता दें कि विधानसभा के पुस्तकालय सभागार में सुबह के समय शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस पार्टी ने अलग से विधायक दल की बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगी। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर के बंतारा स्थित बिनोवा सेवा आश्रम भी आएंगी, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के मैट्रिक, इंटरमीडिएट एवं स्नातक पास बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार के लिए सुनहरा अवसर है। बता दें कि नियोजन पदाधिकारी आकृति कुमार ने बताया कि जॉब कैंप का आयोजन सभी प्रखंड क्षेत्रों में आज यानी 12 जून से शुरू हो रहा है। Xiaomi भारतीय बाजार में आज Xiaomi 14 सीवी स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। बता दें कि भारत में स्मार्टफोन लाइव इवेंट के जरिए पेश किया जाएगा। Xiaomi 14 सीवी का लॉन्च इवेंट आज दोपहर 12 से शुरू होगा। इवेंट को कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के जरिए लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। रांची विकास कार्य को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा चक्रधरपुर मंडल क्षेत्र में ब्लॉक किया जाएगा। इसके कारण आज हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। ये ट्रेनें विलंब से खुलेंगी। कुछ ट्रेनों के आंशिक समापन व प्रारंभ में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश में भी मानसून पूर्व की गतिविधियों में तेजी आने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में आज से मानसून प्रवेश करने की भी संभावना बन रही है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1935 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री श्यामा का जन्म हुआ था। साल 1981 में आज ही के दिन भारत के भूतपूर्व 7वें मुख्य न्यायाधीश पीबी गजेंद्र गटकर का निधन हुआ था। साल 1998 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय हुआ था। साल 2001 में आज के दिन सीमा मुद्दे पर भारत बांग्लादेश वार्ता शुरू हुई थी। साल 2016 में आज के दिन साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।